मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले का सेतपुरा गांव कल से चर्चाओं में है। प्रहलाद को बचाने के लिए हवन पूजन के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 5 साल का प्रहलाद बुधवार को सुबह एक बोरवेल में गिर गया था। बताया जा रहा है कि 200 फीट गहरे बोरवेल में प्रहलाद करीब 60 फीट नीचे फंसा हुआ है। उसका सिर नीचे है और पैर ऊपर। उसे लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। बोरवेल के बगल में मशीनों के जरिए एक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है, जिसके जरिए बच्चे तक पहुंचा जा सकता है। बुधवार से आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी से अपील की है कि वे प्रहलाद के लिए दुआ करें। आज सुबह तक बच्चे की सिसकियों की आवाज आ रही थी लेकिन अब प्रहलाद की कोई आवाज नहीं आ रही है। इसने सभी की चिंता और बढ़ा दी है। निकाला जा सकता है उस बच्चे की जान को असुरक्षा हो सकता है, और इसलिए बच्चे के प्राणों की चिंता करते हुए तकनीकी रूप से मतलब जैसे सुरक्षित रखने के लिए निकाला जा सकता है उसमें समझ। घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए केंद्र में क्या कुछ आप मांग रखेंगे? जी, इस तरह की पिछले समय से हम देख रहे हैं देश में अनेक स्थानों पर इस तरह की घटनाओं की में वृद्धि होने में देखने में आ रही है, और ये घटनाएं पूरे समाज के लिए झजकूर देने वाली हैं। मैं केंद्र सरकार के समक्ष इस बात को रखूँगा, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के सामने इस बात को रखूँगा कि पूरे देश में एक नीति संबंध में बनाई जानी चाहिए कि जिन भी स्थानों पर बोर होते हैं या बोर डेड हो जाते हैं, ड्राई निकलते हैं, तो ऐसे बोरों पर कैशिंग लगने पर उस पर कैप लगाने की तुरंत व्यवस्था की जाए। जो ठेकेदार रहता है वो ठेकेदार को इस बात की सुनिश्चित की जानी चाहिए कि बोर होते समय तुरंत कैशिंग डाली जाए। कैशिंग अगर नहीं डाली जाती है तो वहाँ पर पत्थरों का ढेर लगाकर या वहाँ पर लोहे की जाली का कैप लगाकर इस तरह की व्यवस्था की जाए कि बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना होने पाए। और जवाबदेही तो तय करना ही पड़ेगी, बगैर जवाबदेही तय किए जो है ना इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। हुआ है और आप कितने स्टैंड तक पहुँच चुके हैं नीचे? हम करीब 50 फीट नीचे जो गड्ढा है उसमें पहुंच चुके हैं। अभी खुदाई जारी है, पूरी रात खुदाई होती रही है। 4 पोखलेन और कई जेसीबी लगी हुई हैं, निरंतर कार्य जारी है। बच्चा जो है वो करीब 60 फीट पे है बोरवेल में, और आर्मी और एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। उनकी प्लानिंग, उनने अपनी टेक्निकल प्लानिंग कर ली है उसमें, और बच्चे को जिससे कि हॉरिजॉन्टल एक बार सीधे वर्टिकल में थोड़ी दूर से एक बार खड्डा पूरा हो जाए जहाँ तक ये लोग पहुँचना चाहते हैं 65 फीट तक, और उसके बाद हम उसको हॉरिजॉन्टली खोदेंगे, हॉरिजॉन्टली करके और बच्चे तक पहुँचने की कोशिश कर 3 से 4 घंटे और लग सकते। सर अभी हालात कैसे हैं बच्चे के? किसी तरह एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी जो देखी जा रही है उसमें एक्टिविटी तो अभी नहीं पता चल रही है, और बाकी बाहर आने पे ही बच्चे का पता कर पाएगा। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल टीम हमारी तैनात है। ऑक्सीजन बराबर दिया जा रहा है बच्चे को, लेकिन वो क्योंकि बोर ज़्यादा गहरा है और बच्चे बीच में वहाँ पर हैं 60 फीट के उस पे, तो खतरा बना रहता है कि वो नीचे स्लिप ना हो जाए, हमारी दिक्कतें और बच्चे की जान को और भी खतरा हो सकता है, इसलिए उसको हम एहतियात से ही कर रहे हैं पूरा। सर इस प्रकार की घटना अधिकांश देखी गई है, देश में भी देखी गई, वहाँ भी देखा, इसके लिए एहतियात क्या बरतना चाहिए, क्या कमी रही और इसके लिए क्या आगे ना नहीं, कमियों को अभी ना मतलब पहले प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि अपने जो तात्कालिक समस्या है उसको अपन दूर कर लें, और ये है कि प्राइवेट बोरों पर इनको पूरा ढकना चाहिए सारा अच्छे से, जिससे कि और बच्चों को जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं बच्चे अगर उसके आस पास ना जाएँ तो आगे की इसको बचाया जा सके। प्रशासन क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन किसके लिए दे? अभी तो सर आप आगे मैं बता दूंगा। पत्रिका.com के लिए सेतपुरा गांव से अशोक रजक की रिपोर्ट।